नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द मिसिंग स्ट्रीट पर। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट राहुल। आज मैं फिर आप लोगों के लिए वेंडिगो की एक दिल दहला देने वाली कहानी लेकर आ गया हूं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाते हैं तो मैं आप लोगों के लिए हर दिन एक दिल दहला देने वाली कहानी जरूर लेकर आऊंगा। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम जेमी है और मैं अमेरिका के एक छोटे से शहर का रहने वाला हूँ। और जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, इस बात को ज्यादा टाइम नहीं हुआ, तकरीबन 20 दिन से मेरे साथ ये सब हो रहा है। तो मैं आप लोगों को 20 दिन पहले की बात बताता हूँ। मैं कुछ दिनों से बहुत डिप्रेशन में हूँ, मेरी जॉब छूटने के कारण, और साथ ही मेरी वाइफ से मेरा डिवोर्स हो गया है। मैं अपने घर वालों से भी आजकल कुछ ढंग से बात नहीं करता, हर बात पर उनसे लड़ने लग जाता था। छोटी छोटी बातों पे मुझे बहुत गुस्सा आने लगा था। मैं हर समय अपने रूम में ही रहता था चुपचाप। एक दिन मैंने इस सब से बाहर निकलने की सोची। मैं यहाँ से दूर अकेला कहीं रहना चाहता था। मैंने अपने घर वालों को बताया कि मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ से कहीं दूर जाना चाहता हूँ, अकेला रहना चाहता हूँ। जब मैं ठीक महसूस करने लगूंगा तब मैं घर वापिस आ जाऊंगा। तो उन्होंने मुझे बस इतना ही कहा, बेटा तुम जब ठीक हो जाओ तो घर लौट आना और अपना ध्यान रखना, हम नहीं चाहते कि तुम हमसे दूर रहो। तो अगले दिन ही मैंने अपना सारा सामान पैक किया और वहां से निकल गया। मुझे भी पता नहीं था कि मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है, बस मैं अकेला रहना चाहता था। मैं इस टाइम अपने घर से 500 किलोमीटर दूर खड़ा था। ये जगह मेरे लिए नई थी, मुझे इस जगह के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो शायद एक गांव था। मैंने आसपास लोगों से पूछा कि कहीं कोई रेंट पे घर है, तो उन लोगों ने मुझे पता दिया। मैंने 4 घर देखे लेकिन मेरी किस्मत अच्छी नहीं थी, वो सब बुक हो चुके थे। लास्ट में मुझे एक घर मिला, वहां एक अंकल रहते थे। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा ऊपर वाले कमरे खाली हैं, तुम जाके देख लो, अगर चाहिए तो ले लो। मैंने घर देखा, मुझे अच्छा लगा। मैंने उसी टाइम 3 महीने का किराया उन्हें दे दिया। मैं पहले से ही प्लान बना के आया था कि मैं 3-4 महीने बाद ही घर जाऊंगा, इससे पहले नहीं। उसके बाद मैंने खाने पीने का सामान एक दुकान से खरीदा और किचन में जाके रख दिया, और फ्रेश होके मैं थोड़ी देर सो गया। मैं बहुत थक चुका था, तकरीबन मैं रात 8 बजे उठा, मुझे भूख लग रही थी। मैं उठा और कुछ बनाने का सोचने लगा। मैंने जल्दी जल्दी से अंडे बनाए और वो खाके मैं थोड़ी देर रूम से बाहर बालकनी में जाके खड़ा हो गया। बाहर काफी अच्छी ठंडी हवा चल रही थी, मेरे सामने बहुत ही घना जंगल था। वो सब देख के मुझे काफी अच्छा लग रहा था। मैं सोच रहा था कि मैंने अपने घर वालों को बहुत तंग किया इन दिनों, मैं अच्छा बेटा कभी नहीं बन सकता, उनके लिए कुछ नहीं कर सकता। मैंने अपने मम्मी पापा को उसी टाइम फोन किया और उन्हें सॉरी कहा, और मैं रूम में जाके सो गया। ये रात तो मेरी अच्छे से कट गई थी। सुबह शायद 6 बजे मैं उठा और मॉर्निंग वॉक के लिए मैं यहीं के पास एक पार्क में चला गया। वहां मेरी मुलाकात रॉबर्ट से हुई। उसने मुझसे पूछा कि तुम कहां से हो, यहां कभी तुम्हें देखा नहीं। मैंने कहा मैं यहां घूमने के लिए आया हूं और थोड़े दिन यहीं रहूंगा। हम दोनों ने काफी बातें की
उसने बताया कि वो भी यही पास में रहता है और बोला तुम कभी आना मेरे घर। मैंने भी उसे बोला कि हाँ जरूर आऊंगा, लेकिन अभी मैं चलता हूँ। और मैं अपने घर आ गया और ब्रेकफास्ट करके इस गांव में घूमने के लिए निकल गया। गांव बहुत बड़ा था और यहाँ के लोग कुछ अजीब से हैं। मैंने पूरे दिन बहुत इंजॉय किया। शाम होने को आई थी, मैं घर के लिए आ रहा था। मुझे उसी जंगल को पार करके अपने रूम तक आना था। रास्ते में मुझे एक अजीब सी चीज दिखाई दी। मैंने उधर जाके देखा तो वो एक डायरी थी। मैंने उसे उठा लिया और मैंने इधर उधर देखा तो वहां कोई भी नहीं था जिसको मैं ये डायरी दे सकूं। ये क्या है, मैंने अपने आप में ही बोला और हंसते हुए उसे अपने साथ ले आया। मैंने सोचा आज रात इसे ही पढ़ा जाए, टाइम पास हो जाएगा। वैसे वो डायरी बहुत पुरानी लग रही थी, उसका कवर भी फटा हुआ था। मेरे मन को ना जाने क्या हुआ, मुझे उस डायरी के अंदर लिखे राजों और उन बातों को जानने की बहुत इच्छा होने लगी। वैसे दूसरों की डायरी पढ़ना बहुत बुरी बात है, लेकिन मुझे क्या पता था कि ये मेरी सबसे बड़ी गलती हो जाएगी। मैंने रात को खाना खाया और बालकनी में जाके खड़ा हो गया। काफी ठंडी हवा चल रही थी, तभी मुझे उस डायरी की याद आई और जल्दी से रूम में जाके उस डायरी को पढ़ने के लिए ले आया। उस डायरी का मैंने पहला पेज खोला, उस पे लिखा था, मेरा नाम एलियाना है। मैं आज पहली बार इस डायरी में अपने दुख दर्द को लिख रही हूँ। मेरे मम्मी पापा की डेथ के बाद मैं बहुत अकेली हो गई हूँ। मुझे नहीं पता कि कब वो शैतान मेरी भी जान ले लेगा। वो शैतान, ये सब मेरी वजह से ही हुआ। ना मैं उस शैतान को बुलाती, ना मुझे अपने मम्मी पापा को खोना पड़ता। उस दिन मुझे याद है, घर पे कोई नहीं था। मैंने वेंडिगो के बारे में अपनी दादी से सुना था, मुझे उसे बुलाने के बारे में भी पता था। इन सब चीजों को मैं खेल मानती थी कि ये सब कुछ नहीं होता, बस ये एक कहानियां हैं बच्चों को डराने की। मेरे पास डेविल बाइबल थी, उस बाइबल में वेंडिगो को बुलाने के बहुत से मंत्र दिए हुए थे। उसमें बताया था कि जो कोई भी इन मंत्रों को अकेले रात में बोलेगा उसे वेंडिगो जरूर दिखेगा और आपकी हर विश को पूरी करेगा। मैंने उस रात वही सब किया। मैंने वो मंत्र पढ़े जो कि मैं इस डायरी में लिख रही हूँ। इन सब को पढ़ते ही तकरीबन 20-25 मिनट के बाद मुझे मेरे घर में किसी के होने का एहसास होने लगा और वो चीज एकदम से मेरे सामने आ गई। वो इतना भयानक था कि मैं आपको बता नहीं सकती। उसने मेरा नाम लिया, एलियाना, मुझे भूख लगी है, मुझे मांस चाहिए, मुझे अपने बिल्ली को खाने के लिए दे दो। मुझे ये सब देख के बहुत डर लग रहा था। उसकी आंखें एकदम लाल थी, उसके बड़े बड़े सींग थे किसी हिरन के जैसे। मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैंने अपनी बिल्ली को उसको दे दिया। उसने मेरे सामने ही उस बिल्ली को बुरी तरह से फाड़ के खा लिया, नोच नोच के। तभी अचानक मैं चिल्लाई और वो एकदम से मेरी आंखों के सामने से गायब हो गया। मैंने जल्दी से लाइट ऑन की और अपनी बिल्ली की इस हालत को देख के रोने लग गई। पूरे फर्श पर खून ही खून पड़ा था। मैंने जल्दी जल्दी से सब साफ किया और अपने मम्मी पापा को फोन किया कि आप लोग जल्दी से घर आ जाओ, घर में कोई है। जब तक वो लोग आए, मुझे पूरे घर में किसी के चिल्लाने और चलने की और हंसने की आवाजें सुनाई देने लगी। मैं पागल हो रही थी उस आवाज को सुन सुन के।
वो मेरा नाम लेके मुझे अपने पास बुला रहा था। एलियाना, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाऊंगा। तभी थोड़ी देर के बाद मेरे मम्मी पापा आ गए। जब मैं सोने के लिए अपने रूम में गई तो मुझे वही लाल आंखें और वो शैतान मेरे रूम में खड़ा मिला। पूरी रात वो मुझे घूरता रहा। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आ रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, तभी मैं आप लोगों के लिए इस कहानी का नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।